Hello everyone, I am Vishakhapatnam. Round 1 calls are out. Congratulations to all the students, first of all. But बहुत ज़्यादा खुशियाँ मनाने वाला कुछ इसमें है नहीं. क्यों नहीं है, वो सारी चीज़ें मैं आपको डिस्क्लोज कर देता हूँ. ये आपका राउंड 1 का कॉल है, जिसमें अगर आप बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो आई एम विशाखापट्टनम ने सेट किया था, जिसमें अगर आप जनरल कैंडिडेट हो तो आपका 70-70-70 तीनों सेक्शन में मिनिमम होना चाहिए और 80 आपको ओवरऑल होना चाहिए. अगर आप इस चीज के लिए एलिजिबल थे देन आपको ये ईमेल जो है वो कर दिया गया है. बट क्या ये फाइनल शॉर्टलिस्ट है, आपको पीआई के लिए कॉल है? ये बिल्कुल भी नहीं. राउंड 2 होगा, जिसमें आपको एक पर्टिकुलर डेट दिया गया है, फेब एंड तक का शायद वो डेट है, जिस तक आपको वो फॉर्म जो है वो भर के सबमिट कर देना है. देन आपके कुछ चीजें हैं जिनको काउंट किया जाएगा. वो क्या क्या चीजें हैं वो बता देता हूँ. आपका कैट स्कोर 50% वेटेज. मैं डॉक्यूमेंट जो है वो अटैच कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, सो दैट जो डिटेल में देखना चाहे वो देख सकता है. ठीक है, आपका कैट स्कोर को 50% वेटेज है. जो 50% में आपका 18 पॉइंट्स विल बी डिडक्टेड, या 18 पॉइंट्स जो है वो रेशियो दिया जाएगा वीएआरसी सेक्शन को. 18 विल बी फॉर क्वांट सेक्शन एंड बाकी का 14 जो होगा दैट विल बी फॉर द एलआरडीए सेक्शन. देन आपका 10th बोर्ड में 10% है, 12th में 10% है, ग्रेजुएशन में आपका 10% है. तो अगर आपके एकेडमिक्स अच्छे हैं तो आपके चांसेस ऑटोमेटिकली बढ़ जाएंगे आई एम विशाखापट्टनम में क्रैक करने के, या मैं बोलूं पीआई के लिए कॉल्स लेने के. देन आपका डाइवर्सिटी फैक्टर है, 10% मार्क्स हैं. अगर आप जेंडर में फीमेल हो तो आपको 10% मार्क्स सीधा सीधा मिल जाएंगे. क्यों जेंडर बेस्ड वो मार्क्स दे रहे हैं उसके बारे में मैं आपको बता दूंगा कि मेल जो है किसने ज्यादा डोमिनेटेड है इस पर्टिकुलर कॉलेज में. देन वर्क एक्सपीरियंस की अगर वेटेज की बात करें, 10% वेटेज इज देयर. तो अगर आपके पास वर्क एक्सपीरियंस है तो ऑटोमेटिकली आपके चांसेस जो बढ़ जाएंगे फाइनल पीआई के लिए कॉल्स ग्रैब करने के लिए. ठीक है, मैं डॉक्यूमेंट अटैच कर दूंगा आपके साथ में, सो दैट आप डिटेल में अगर देखना चाहते हो कि आपके कितने चांसेस हैं कितने चांसेस नहीं है वो आपको समझ में आ पाए. देन एक चीज और था, इंपॉर्टेंट पॉइंट था यहाँ पर, 19 पॉइंट है. मैं डॉक्यूमेंट जो अटैच करूंगा आप वहां पे चेक कर पाओगे. यहाँ पर क्लियरली मेंशन है, कैंडिडेट्स हु आर नॉट शॉर्टलिस्टेड एंड इंटरव्यूड बाय एनी ऑफ द आईएम्स एट बैंगलोर, कलकत्ता, कोईकोड, लखनऊ और इंदौर ओनली फॉर देयर पीजीपी और पीजीपीएम प्रोग्राम्स विल बी रिक्वायर्ड टू अपेयर फॉर अ पर्सनल इंटरव्यू एट आईएमबी. तो आपको अलग से इंटरव्यू जो देना पड़ेगा अगर आप इनमें से किसी कॉलेज में आपका इंटरव्यू नहीं हुआ है फॉर पीजीपी और पीजीपीएम प्रोग्राम. ठीक है, आई होप सो आपको क्लियर हो गया. देन अगर मैं थर्ड राउंड की बात करूं, जो कि आपका फाइनल पीआई वाला राउंड होगा, देन पीआई स्कोर का वेटेज है 48%, कैट स्कोर का वेटेज रहेगा उस टाइम पे 25%, 10th बोर्ड, 12th बोर्ड एंड बैचलर्स तीनों का 444% है. देन डाइवर्सिटी का जेंडर को अगेन 5% वेटेज मिलेगा वहां पर राउंड 3 में भी. देन वर्क एक्सपीरियंस को अगेन यहां पर भी 10% वेटेज जो है वो दिया गया है. ये अपना तीन स्टेजेस में डिवाइडेड है. फेज 1 जो बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल कर रहे थे आई एम के की तरह, उन सबको कॉल्स किया गया. राउंड 2 में उनमें से छांटे जाएंगे जो लोग जो है निकाल दिए जाएंगे, जो बचेंगे उनका पीआई होगा. जिनका पीआई होगा उनका ये बाइफर्केशन रहेगा एंड उनका फाइनल सिलेक्शन होगा. तो बधाई हो कॉल्स लेने के लिए, बट बहुत ज्यादा खुशियों वाला कुछ अभी ऐसा है नहीं, क्योंकि बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया डजंट इंश्योर दैट कि आपको डेफिनेट वहां से कॉल बन ही जाएगा. ठीक है, नाउ थोड़ा सा मैं फीस स्ट्रक्चर बता देता हूँ. काफी लोग पूछते हैं एमबी का. देखो फीस जो है दैट इज 17,85,000 फर्स्ट ईयर का, क्लोज टू 9 लाख. सेकंड ईयर का भी क्लोज टू 9 लाख, ज्यादा डिफरेंस नहीं दोनों ईयर के. ओवरऑल फीस जो है आपका क्लोज टू 18 लाख जो बन जाता है, 17,85,000 है. देन फाइनल प्लेसमेंट रिपोर्ट की बात करता हूँ. एवरेज जो प्लेसमेंट है दैट इज क्लोज टू 15 लाख. अगर मैं 2020-22 बैच की बात करूं तो उनका जो फाइनल प्लेसमेंट है दैट इज एवरेज वैल्यू इज 15.06 एलपीए और ये बढ़ता जा रहा है ईयर बाय ईयर. ये जो वैल्यूज हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, जैसे जैसे आई एम थोड़े से ओल्ड हो रहे हैं वैसे वैसे उनका वैल्यू एडिशन जो है वो बढ़ता जा रहा है. तो ऑटोमेटिकली पैकेजेस भी बढ़ेंगे. अगर मैं टॉप 25% ऑफ द बैच की बात करूं, उनका जो एवरेज पैकेज है दैट इज क्लोज टू 20 लाख. तो उम्मीद की किरण, आई होप आपको समझ में आ रही होगी. जो मैं आपको जेंडर के बारे में बोल रहा था कि मेल जो डोमिनेट कर रहे हैं इस कॉलेज में, 69% जो था वो बैच स्ट्रेंथ में मेल्स थे, 31% फीमेल्स थे. तो यहाँ पर 10% एक्स्ट्रा पॉइंट दिए जा रहे हैं फीमेल को, सो दैट जो इक्वालिटी है वो थोड़ा मेंटेन किया जा सके इन टर्म्स ऑफ जेंडर. ठीक है, नाउ फ्रेशर्स भी हैं यहाँ पर, 41% फ्रेशर्स थे, क्योंकि 10% ही वेटेज है वर्क एक्सपीरियंस को राउंड 2 में भी राउंड 3 में भी. इस वजह से अगर आपका वर्क एक्सपीरियंस नहीं है या वर्क एक्सपीरियंस ज्यादा है तो उस केस में भी आपके चांसेस रहेंगे. जैसे 10% स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनका 4 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस था. तो हर तरह के स्टूडेंट आपको यहाँ पे मिलेंगे. बाकी डोमेन वाइज सेक्टर वाइज उनका अभी ऐसा कोई रोल नहीं है, वो राउंड 2 की कॉल्स के बाद का प्रोसेस होगा. देन जो टॉप कंपनीज आ रही हैं मैं डॉक्यूमेंट अटैच कर दे रहा हूँ, इफ यू वॉन्ट टू सी देम यू कैन डू दैट. दैट विल बी ऑल फ्रॉम माई साइड. थैंक यू एंड हैप्पी लर्निंग. बाय बाय.